नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको सिंपल शर्ट की कटिंग करने का एक आसान सा तरीका। सबसे पहले नाप जान लेते हैं। लंबाई जो रखनी है हमने 50 इंच की रखेंगे, और जो ब्रेस्ट का साइज होगा वो 42 इंच होगा, 3 इंच का लूजिंग देंगे, ये तो ये 45 इंच हो जाता है। जो इसका हाफ रखा जाता है 22.5 इंच, और यहाँ पे वेस्ट होगी 36 इंच, 3 इंच का लूजिंग देंगे, 39 इंच आएगा, 19.5 इंच तैयार आएगा वेस्ट का नाप। और जो हिप का आएगा दोस्तों, 42 इंच हिप है, हिप में 2 इंच की लूजिंग दी जाती है, तो हम 44 इंच रखेंगे, यहाँ पे 22 इंच तैयार आएगा। और जो बाजू का नाप होगा, 16 इंच की लंबाई होगी, 11.5 इंच ओपनिंग होगी, फ्रंट का गला 7.5, बैक का 8.5। इस प्रकार हमारा ये नाप होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं कटिंग। ये नाप हम एक साइड रख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, कटिंग के लिए कपड़ा हम इस प्रकार फोल्ड करते हैं। जैसे हमारा पूरा आरजू वाला कपड़ा है, इसको हम इस प्रकार फोल्ड करेंगे। डबल बंद वाली साइड अपनी साइड रखेंगे और ओपन वाली साइड अपनी अपोजिट साइड रखेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल इसको सीधा बिछा लेते हैं। और इसमें हमें देखना होता है कि हमें कितनी चौड़ाई रखनी है। चौड़ाई हम हिप के हिसाब से रखते हैं। जैसे हमने 2 इंच तो एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और आगे जितना हिप का नाप होता है, जैसे 22 इंच है, तो यहाँ पे 11 इंच रखेंगे। तो 11 और 2 13, 13 से 13.5 इंच का हम कपड़ा लेते हैं। इसी प्रकार जैसे कम ज़्यादा हिप हो तो उसी प्रकार 2 इंच रखना है आपने आगे का, और उसका हिप का निशान लगाते हुए इतना ही कपड़ा लेना है, ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं करना है। तो इस प्रकार मैंने ये अपना पूरा पीस बिछा लिया है। लंबाई हमने 50 इंच तैयार रखनी है, तो यहाँ पे हम नीचे 2 इंच मार्जिन छोड़ के, और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 50.5 इंच पे, 50.5, 50.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है। अब हम आर्महोल का निशान लगाएंगे जो 7 इंच पे, कमर का निशान लगाएंगे 15.5 पे, और हिप का निशान लगाएंगे 23 इंच पे। इन निशानों को सभी को बिल्कुल सीधे कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ये ब्रेस्ट वाला आएगा, और ये वेस्ट वाला आएगा निशान, और ये हिप वाला आएगा, तीनों पे जो जो हमने तैयार नाप मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लेते हैं। जैसे 22.5 था, तो यहाँ पे 11.25 भी निशान लगाएंगे, 19.5 है तो 10.25 पे लगाएंगे, और हिप 22 इंच है तो यहाँ पे 11 इंच पे लगाएंगे। सभी निशानों को हम एक दूसरे से इस प्रकार टच करेंगे। यहाँ पे हम सेफ पट्टी लेंगे, जो ब्रेस्ट का नाप होता है वो इस प्रकार लगाएंगे, और यहाँ से जितना हमने यहाँ से लिया है, अब यहाँ से इसको इस प्रकार घुमा देंगे, इस तरीके से। अगर हम स्केल से लगाते हैं तो यहाँ पे ये निशान हमारा इस साइड आएगा, और यहाँ पे भी हल्का सा फर्क यहाँ पे भी आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे सेफ पट्टी से निशान लगाएंगे। अगर साइज हल्का हो तो हम सीधे स्केल से निशान लगाएंगे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा आर्मोल की कटिंग। हमें शोल्डर कितना रखना होता है, शोल्डर का मेन कई व्यूअर ने मेरे से पूछा है कि शोल्डर का और आर्म होल की कटिंग के बारे में बताया जाए, तो सभी व्यूअर को मैं आप बताना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे हमारा गला यहाँ पे 8 इंच है बैक साइड का, बैक साइड का इस साइज के अकॉर्डिंग अगर बैक का गला 8 इंच है, तो यहाँ पे हम जो शोल्डर रखेंगे 13 इंच रखेंगे, 6.5 इंच, जो दबाव आने के बाद हमारा यहाँ पे 12 इंच तैयार आएगा। तो यहाँ पे ऊपर भी हम 6.5 का निशान लगाएंगे, और नीचे की साइड भी एक 6.5 का निशान लगाएंगे, और 0.5 इंच अंदर की साइड इस प्रकार निशान लगाएंगे। और जो ये निशान होगा हमारा बार वाला, इस निशान से इस तरीके से हल्का सा क्रॉस करते हुए यहाँ पे ये निशान लगाएंगे, और यहाँ पे हम इस प्रकार की एक गोलाई दे देते हैं। ये हमारा जो साइज, जो ये मेरे साइज के हिसाब से बिल्कुल ये निशान ओके हैं।
लेकिन अगर हमारा गला 5 इंची हो जाता है बैक का, क्योंकि सभी का अलग अलग नाप होता है, ब्रेस्ट का नाप जैसे 42 ही है और गला पहनना है छोटा, तो यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बैक का गला 5 इंच है तो यहाँ पे हमारा शोल्डर की कटिंग होगी 15 इंच। यहाँ पे ऊपर मैंने 7.5 पे निशान लगाया है, यहाँ पे भी मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगा, और अंदर की साइड हमने पूरा 1 इंच लेना है, अंदर की साइड, इस चीज का ध्यान रखना है। इस प्रकार निशान लगाएंगे और यहाँ पे गोलाई देंगे, तब जाके हमारा बिल्कुल आर्म होल और शोल्डर बिल्कुल ठीक आएगा। क्या होता है ज्यादातर कि गले की कितनी भी डीप लेंथ हो, साइज हम वही रखेंगे तो उसमें फर्क पड़ जाता है, उसमें हल्का सा आर्म होल भी बढ़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 इंच किया है, अगर 5 इंच का लाया है तो इसको आप 7.25 रखोगे, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये वीडियो आप 2-3 बार देखोगे तब ये समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन अब हमारा जो नाप है तो हम इसके अकॉर्डिंग जो पहले वाला मेरा निशान है उसी के ऊपर कटिंग करेंगे। ब्रॉड लेंथ हमने गले की 3 इंच रखनी है और यहाँ से 0.5 इंच डाउन रखनी होती है कंधी। इन्हीं निशानों के ऊपर हम कट करते हैं। हिप के पास हमारी यहाँ पे ये लूजिंग अलग से देते हैं अंदर फोल्ड करने की 1.5 इंच की, और जैसे जितना भी हमारा, जैसे 22 इंच है तो हम घेरा रखेंगे 23 इंच। घेरे का निशान 11.5 पे लगाएंगे और इन निशानों को बिल्कुल सीधे कर लेंगे। ये हमारा 11.5 पे घेरे का निशान होगा, और अब हम यहाँ पे बिल्कुल सीधे वाला स्केल लेंगे और इस प्रकार निशान लगाएंगे। ये मैंने नीचे के अलग निशान लगा के दिखाए हैं आपको, ऊपर के अलग निशान लगा के कटिंग करके दिखाए हैं ताकि आपको हर चीज समझ आ जाए। बिल्कुल सीधा कट करेंगे। ये हमारा नीचे का निशान है जो फोल्ड करने वाला है अंदर की साइड। अगर दोस्तों हमने ये पूरे फ्रंट की अपनी कटिंग कर ली है, अब हम बैक साइड की कटिंग बताएंगे। बैक साइड का भी हम कपड़ा इसी तरीके से सेट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसी तरीके से इतना ही लंबाई चौड़ाई वाला कपड़ा लिया है। अब हम यहाँ पे बैक साइड को सेम इसी प्रकार ऊपर रखेंगे। ऊपर की साइड हम आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हैं ताकि, क्योंकि हमें कंधी बड़ी रखनी होती है, शोल्डर के ऊपर थोड़ा सा आधा इंच का बड़ा हिस्सा रखना होता है। पूरा पीस हमारा सेट हो गया है। अब मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगा कि हमने बैक साइड के आर्मोल की कटिंग कैसे करनी है। बैक की कटिंग के लिए हमने क्या करना है, जो बिल्कुल हमारा बिल्कुल ये सीधा निशान होगा, जो शोल्डर के मुताबिक हमने लगाया था यहाँ पे, इससे हम बाहर की साइड 1.5 इंच लेंगे। इस साइज के अकॉर्डिंग जो 42 ब्रेस्ट वाला साइज होगा यहाँ पे और 8 इंच गला डीप होगा उसके हिसाब, इसमें ये मैंने बाहर की साइड 1.5 इंच लिया है और ऊपर की साइड हम आधा आधा इंच बढ़ाएंगे। यहाँ से हमारा ये 1.5 इंच पे लगेगा और इस निशान से इस निशान को बिल्कुल सीधा हम स्केल की सहायता से इस प्रकार लगाएंगे, और यहाँ पे हम इस तरीके से गोलाई देते हुए इस निशान को आगे तक मिलाएंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग करेंगे। इस प्रकार हमारी ये बैक साइड की कटिंग होती है। ऊपर का हिस्सा हमारा कटिंग होके कंप्लीट हो गया है। अब मैं नीचे का हिस्सा भी बिल्कुल सेम उसी प्रकार कटिंग कर लेते हैं।
जहाँ जहाँ पे जुड़ाई होती है इस प्रकार के हम टक लगा देते हैं। ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा कपड़ा कम है, हम सेंटर में ज्वाइंट लगाएंगे। यहाँ पे ज्वाइंट लगाएंगे और इसके लिए मैंने पहले से ही यहाँ पे ज्वाइंट जो लगाएंगे उसमें हम ये लेस ली है, लेस लगानी है हमें, क्योंकि कपड़े का पहले ही पता लग जाता है कि ये कपड़ा कितना है। ये छोटे अर्ज का कपड़ा था तो यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है, हमारी बाजू नहीं आनी थी इसलिए मैंने यहाँ पे ये लेस लगा के डिजाइन भी बनाना है इसमें। तो यहाँ पे हम जो कटिंग करेंगे, कन्नी वाले चारों पीस अपनी साइड रख लेते हैं, 1, 2 और 3 और 4, ये चारों पीस हमने फोल्ड करके इस प्रकार कर लिए हैं, 4 पट्टियाँ आ जाती है ये। आगे हम सिलाई वाला आधा इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं और यहाँ पे निशान लगा लेते हैं ये वाला। आप समझो कि ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और यहाँ तक हमारा कपड़ा तैयार है। यहाँ पे लगाएंगे हम 4.25 इंच पे निशान, 3.5 से 4.25 पे। बाकी जो हमारा गला जो लंबाई है बाजू की 16 इंच है तो 16.5 पे लगाएंगे और 2 इंच नीचे का, 1.5 इंच नीचे का मार्जिन कर रहेगा। सभी निशानों को सीधे कर लेते हैं। अब जितना अरमोल का जैसे साइज यहाँ पे हमारा आएगा 9.5 इंच, 9 से 9.5 इंच आएगा। यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और मोरी रहेगी 11.5 इंच, तो यहाँ पे हम 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो बाद में हल्का सा हम ज्वाइंट लगा लेते हैं सिलाई करते वक्त। यहाँ पे इस प्रकार एक गोलाई देंगे, ये हमारी बैक साइड वाली गोलाई होगी, और यहाँ पे एक देंगे गहराई, ये हमारी फ्रंट साइड वाली गहराई होगी। प्रकार से ये बैक के हिस्से में चढ़ेगी कमीज के, और जो अब मैं कटिंग करूँगा दूसरी, 2 इंच पल्ले ऊपर से उठाते हुए, 2 पल्लों को ऊपर से उठाते हुए इन दोनों पल्लों की कटिंग करते हैं इस प्रकार। ये हमारी फ्रंट साइड में गहराई आएगी, जो कमीज का फ्रंट ज्वाइंट करते हैं जैसे बाजू, तो यहाँ पे ये फ्रंट में आएगी। इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेते हैं और आगे की साइड यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के कट करते हैं इस प्रकार। इस तरीके से हमारी बाजू की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।